नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की काफ़ी दुखद खबर हरियाणा से सामने आ रही है। हरियाणा के झांझर के गांव जहांगीरपुर का जवान देश के लिए शहीद हो गया। 35 वर्षीय हरीश यहां को ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पैतृक गांव में शहीद का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। हजारों लोगों ने भारत माता के जयकारों के साथ उनको अंतिम विदाई दी। बता दें कि सीआरपीएफ जवान हरीश यहां जम्मू कश्मीर में तैनात थे। 18 अप्रैल को शाम 4 बजे आसपास पहले उन्हें पेट में दर्द में शिकायत हुई। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया है। शनिवार को जवान हरीश यहां का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गाँव पहुँचा। जवान हरीश यहां की शादी लगभग 8 वर्ष पहले हुई थी। 3 साल की उनकी बेटी भी है। साल 2012 में वह सीआरपीएफ की 49वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर बलिदानी का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। जैसे ही वीर बलिदानी का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो गगनभेदी नारों के बीच अमर रहे वीर बलिदानी, अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंजमयन हो गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर बलिदानी का उनके पैतृक गाँव में दाह संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। ये खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगी का मान है। कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।